भागलपुर शहर में नई ट्रैफिक व्यवस्था के तहत ई चालान शनिवार से लागू होना था, लेकिन शहर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखी। ई चालान को लेकर परिवहन सचिव के आदेश नहीं मिलने के कारण व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई। इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जानकारी मांगी गई थी, उसका जवाब दे दिया गया है। मेरे स्तर से जो ही प्रस्ताव भेजा गया और जल्द से जल्द व्यवस्था को शुरू कर दिया जाएगा ताकि ई चालान यहां से शुरू हो सके। ICCC पूरी तरह काम करने लगा है। 1800 कैमरे लग गए हैं जिसकी निगरानी शुरू हो गई है। पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। नगर आयुक्त से भी बात हो गई है। जल्द ही टोल फ्री नंबर भी जारी हो जाएगा। इमरजेंसी बॉक्स भी चालू हो जाएंगे। ई चालान में थोड़ा और समय लगेगा, शुरू हो पाएगा क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन जो है वहां से अभी भी नहीं हो पाया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कुछ क्वेरी थी, उसका नगर आयुक्त ने भी जवाब दे दिया है और मेरे स्तर से भी रिकमेंडेशन गया है कि जल्दी जो है वो API को सारा इंटीग्रेट करा दिया जाए ताकि ई चालान यहाँ से शुरू हो सके। लेकिन ICCC जो है वो फंक्शनल हो गया। 1800 कैमरे लग गए हैं, कैमरे से मॉनिटरिंग शुरू हो गई है, सारे पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग हो गई है। वो लोग अब इस चीज़ को समझ गए हैं कि कहीं कोई घटना होती है तो कैसे इमीडिएटली कैमरे को जूम करके और अदर जो उसके फीचर्स हैं उसको एक्सेस करके तुरंत जो है क्राइम के कंट्रोल और प्रिवेंशन दोनों के लिए काम कर सके। ये सब सारा चीज़ हो गया है। नगर आयुक्त से बात हुई है, टोल फ्री नंबर भी जल्दी शुरू हो जाएगा, इमरजेंसी बॉक्स वगैरह ये सब शुरू हो गया है, तो कैमरे वगैरह और जो FC केबल वगैरह का काम होता है वो सब हो गया है। इंटीग्रेशन चालान में लग रहा है कि थोड़ा सा और समय लगेगा। विभाग का कुछ क्वेरी था, उसका जवाब चला गया है, तो थोड़ा सा समय और लगेगा। नाथनगर रेलवे स्टेशन रोड स्थित सुखराज राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंपस में एक युवती का शव मिला। शव मिलने की सूचना इलाके में आग की तरफ फैल गई। सूचना पर स्थानीय लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। हालांकि अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। युवती के कपाल पर एक गड्ढे नुमा जख्म का निशान है। घटना की सूचना पर नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की पड़ताल में जुट गए। स्थानीय जुटे लोग कई तरह के कयास लगा रहे थे। लोग दबी जुबान में कह रही थी कि देखने में ऐसा लगता है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होगा। युवती के गले में दुपट्टा का फंदा लगा हुआ और हाथ भी दुपट्टे से बंधा हुआ है। देखने से लगता है काफी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। विद्यालय के प्रधानाचार्य रणवीर कुमार ने कहा कि विद्यालय परिसर में शव मिलने की सूचना पर पहुंचे हैं। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। मना करने पर, झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। असामाजिक तत्व काफी हावी रहते हैं। विद्यालय के दरवाजे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। मामले पर भागलपुर की CT SP अमित रंजन ने कहा कि सुखराज राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में एक युवती का शव मिला है। स्थानीय लोगों से पहचान करवाई जा रही है, अब तक पहचान नहीं हो पाई है। फोरेंसिक की टीम पहुंचकर सैंपल कलेक्ट कर लिया है। डॉग स्क्वाड की टीम को सूचना दे दी गई है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं एक बलात्कार की भी आशंका जताई जा रही है। नाथनगर थाना अंतर्गत SR इंटर लेवल स्कूल में एक अज्ञात महिला की लाश मिली। सूचना मिलते ही SHO नाथनगर वहाँ पहुँचे और सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट किया गया। तुरंत डॉग स्क्वाड और FSL टीम को बुलाया गया और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, अगली कार्रवाई की। सुबह हमको जानकारी मिला, फोन से बताया गया कि ये एक डेड बॉडी है। हाँ। तो हम आए इस विद्यालय। क्या गेट वगैरह का CCTV और सामाजिक तत्व तो यहाँ पे शाम से ही बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है। हाँ। गेट भी तोड़ देता है। हाँ। और सामाजिक तत्व तो बहुत ज्यादा हॉबी रहता है। हाँ। और बोलने तो मना करने पर वो लोग मतलब धमकी भी देता है करके। इसको कई बार हम लोगों ने ठीक किया, लेकिन डेली का वही घटना है। शाम में खेलने वाला खेलता है और वही गेट उठी इधर उधर करता है। क्या लगता है सर, किस तरह से हत्या हुई, कारण क्या हो रहा होगा? ये तो हमको नहीं पता है कि क्या हो सकता है। इस बाबत आप थाना को सूचना दिए थे क्या चीज़? गेट टूटने को लेकर। हाँ, पूर्व के प्रधानाध्यापक द्वारा दिया गया। कुछ समझ में नहीं आई है, मगर थाने के थाना इंस्पेक्टर साहब आ गए हैं। इसकी सच्चाई जांच करेगी कानून। हाँ। जो कानून क्या लगता है किस क्या है इसमें? अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ की महिला का मर्डर हुआ है, मगर पुलिस आ गई है, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जल्द मुजरिम को सामने ले आएगी। क्या बाहर से लाके मारा गया है? इसकी जानकारी नहीं है कुछ। स्कूल के बाद तो फिर समझिए। कहाँ पे है युक्ति क्लास? कहाँ है? SR हाई स्कूल में है। क्या लगता है सामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है? क्या नाम आपका? बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है,
जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। एक तरफ बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का दशहरा की छुट्टी में शिक्षकों को IPRDA के प्रशिक्षण लेने वाली बात पर राजनीतिक पारा सातवें आसमान पर चढ़ने लगा है। मानो पूरे बिहार में धर्मयुद्ध छिड़ गया है। बिहार में के पाठक ने दशहरा की छुट्टी को रद्द कर दिया है। अब इस दशहरा की छुट्टी में शिक्षक गया जिले में आयोजित होने वाले IPRDA का आवासीय प्रशिक्षण लेंगे। यह फरमान जारी करते ही शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया है, जबकि यह छुट्टी पहले से घोषित थी, लेकिन 12 अक्टूबर को आदेश जारी किया गया है। अब शिक्षकों को 16 से 21 अक्टूबर तक IPRDA का प्रशिक्षण गया जिले में लेना होगा। इस पर BJP इसे धर्म के आड़े लेकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वहीं भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने के पाठक के इस फरमान की सराहना की है। इस फैसले को काफी सही कहा। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से शिक्षकों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। शिक्षकों को ट्रेनिंग मिलेगा तभी शिक्षा आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। कहीं भी दशहरा की 10 दिनों की छुट्टी नहीं रहती, अष्टमी नवमी दसवीं की छुट्टी हो यही काफी है। शिक्षक प्रशिक्षण पाएंगे तभी वह बच्चे को प्रशिक्षित करेंगे, तभी अपना देश शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह महंगाई मिटाने की बात नहीं करती, यहाँ की युवा बेरोजगार है उस पर नहीं सोचती, वह सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करती है। शिक्षक प्रशिक्षण पाएंगे इससे उनकी छुट्टियां पॉजिटिविटी में बदलेगी और वह बच्चों को कुशलता से तैयार करेंगे, जिससे अपने देश का नाम गौरव होगा। देखिए, दुर्गा पूजा में हम लोग भी पूजा करते हैं, हिंदू हैं। हम लोग का पूजा कब होता है? मेनली अष्टमी नवमी होता है, दसवीं होता है, विजयदशमी मनाते हैं खुशहाली का दिन। और दुर्गा पूजा क्या पहली पूजा से ही लोग छुट्टी थोड़ी होता है, कहीं सरकार में कहीं देश में नहीं होता है। इसलिए इस तरह की बात जो भी BJP के लोग कर रहे हैं वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर शिक्षा को ट्रेनिंग देनी चाहिए। शिक्षक को जब ट्रेनिंग होगा तो शिक्षा आगे बढ़ेगा, बच्चे शिक्षित। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि शिक्षक को ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं तो चाहता हूँ कि और भी अभी भी दिया जाए, बाद में भी दिया जाए, ताकि शिक्षा आगे बढ़े और बच्चे शिक्षित होके बिहार का नाम और देश का नाम। सर, वो भी हिंदू हैं, भाजपा ऐसे ही बोलती है। जब बच्चों को 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात 2014 में किए, 15-15 लाख रुपया लोगों के खाते में देने की बात किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो तो किए नहीं। महंगाई या काश चुनाव, उसकी बात, इन तीनों की बात नहीं करेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस ने बनाया, चाहे रेल हो, एयरपोर्ट हो, जो भी चीज बनाया, वो अडानी के हाथों बेचने का काम कर रहे, इसकी बात नहीं कर रहे, उससे बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सब बात नहीं करेंगे। हिंदू विरोधी, अरे हिंदू मुस्लिम क्या होता है, दलित क्या होता है, हम लोग भारतवर्ष के नागरिक हैं और हम लोग सब इंसान हैं और सभी भाई बहन हम लोग। एक तरफ जहां शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन रहा और पूरे शहर में भक्तिमय माहौल है, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन एवं नगर निगम का हर चौक चौराहों पर अवैध रूप से लगाए गए दुकानों पर बुलडोजर चला। वहीं अतिक्रमण दस्ता को चौक चौराहों पर अवैध रूप से लगे दुकानों को हटाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। पदाधिकारी राजकुमार ने बताया कि हमें जिला प्रशासन एवं नगर निगम से आदेश पारित हुआ है। इस बाबत में तिलका मांझी में भागलपुर लाइन कचहरी चौक होते हुए घंटाघर तक अवैध रूप से चल रहे दुकानों को खाली कराने का काम किया है। वहीं फुटकर विक्रेता संघ के अध्यक्ष संतोष साह ने कहा कि अभी पूजा का समय है, अभी हम लोगों के कमाने का समय है और अभी ही जिला प्रशासन और नगर निगम ने हम लोगों की दुकानों को बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, हम लोगों के सामान को भी तितर बितर कर दिया, इससे हम लोग काफी नाखुश हैं। हम लोगों की जगह सुनिश्चित कराया जाए तभी हम लोगों के दुकान को हटवाया जाए, इसकी सूचना हम लोग जिलाधिकारी को कई बार कर चुके हैं। देखिए, नुकसान तो हो ही रहा है कि रोड पर जो दुकानदार लगा रहे हैं तो उसे अतिक्रमण की समस्या आ रही है, लेकिन ये जो स्ट्रीट वेंडर हैं इनको नगर निगम ने जो है आई कार्ड और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिया हुआ है और उसके लिए वेंडिंग जोन बनाया हुआ है। वेंडिंग जोन में आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं, अनुमति प्राप्त है। तो हमारा ये कहना है कि हमारा अतिक्रमण हटाने का विरोध नहीं है, हमारा विरोध इस बात से है कि स्ट्रीट वेंडर को आप व्यवस्थित करें। जब सरकार ने ऐसा कानून बनाया तो उसको व्यवस्थित कर दें ताकि वह रोड पर अतिक्रमण ना फैला सके। क्या परेशानी ये हो रही है कि अभी पूजा पाठ का समय है, लोग पूंजी लगा करके या फिर उधार महाजन से सामान को खरीद कर लाए हैं कि 2 पैसा कमाएंगे, लेकिन इस अतिक्रमण हटाने के दौरान जो है हमारे फुटकर विक्रेता जो है अव्यवस्थित हो गए हैं, हट गए हैं, तो उनका नुकसान तो नुकसान ही नुकसान है। हमको निर्देश मिला है कि अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा, उनका पत्रांक है आपको बता रहे हैं, 1170
14 अक्टूबर के डेट से हमको आदेश मिला है कि आपको तिलका मांझी से कचहरी चौक होते हुए मनाली चौक होते हुए फिर तिलका मांझी तक अतिक्रमण हटाने का। आज क्या अतिक्रमण हटाया जा रहा है? आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जो यहाँ पे चौक पे बड़ा भीड़ लगा हुआ रहता था, जाम लग जाता था, तो आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। दुकानदारों को सिर्फ नहीं, फुटकर दुकानदार नहीं है, जो भी रोड पे हैं अतिक्रमित हैं सबको हटाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमको फुटकर को हटाना है या किसी को, जो भी रहेंगे हमको उनको हटाना है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर विधायक अजीत शर्मा सुशील मोदी पर जमकर बरसे। शर्मा ने कहा कि सुशील मोदी वर्तमान सरकार से विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कर रहे हैं, जब वो सत्ता में थे तो क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया। वहीं शर्मा ने कहा कि बिहार गरीब राज्य है, केंद्र सरकार और राज्यों से कम ध्यान बिहार पर दे रही है, अन्य राज्यों से कम राशि दे रही है, बिहार के साथ केंद्र सरकार का व्यवहार कहीं से सही नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार जानबूझकर नहीं दे रही क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार नहीं है। सुशील मोदी की रीजन में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, यह पूरी बिहार की जनता पूछ रही है। साथ में कहा कि जनता सब देख रही है, इसका जवाब 2024 के चुनाव में एनडीए को मिलेगा। आदरणीय सुशील मोदी क्या बोलते नहीं बोलते, जब वो सरकार में थे आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज की बात हुई। बिहार राज्य बहुत गरीब राज्य है, लेकिन दिया नहीं उन्होंने और कह रहे हैं 60% दे रहे हैं। कहां दे रहे हैं वो 60%? केंद्र सरकार जो दूसरे स्टेटों में दे रही है उससे कम बिहार में दे रही है। मैं आपको बता दूं क्या दिया है, क्या विकास हुआ है, जो किया है आदरणीय नीतीश कुमार जी किए, हम लोग की सरकार ने किए। भारतीय जनता पार्टी जब सुशील मोदी जी थे साथ में, तब तो आप ला नहीं पाए विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, और अभी बात कर रहे हैं कि नहीं चाहिए तो नहीं लेना। आप दे कहाँ रहे हैं जो नहीं लेना है? भले दीजिए तब ना लेने की बात होगी, तब ना बिहार का विकास होगा। और आप जो नहीं दिए हैं इसका जवाब आपको 24 में जनता बिहार की देगी और आपको केंद्र से उखाड़ फेंकेंगे। विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि लगातार नीतीश कुमार भी मांग करते रहे। नहीं, नीतीश कुमार जी आदरणीय मुख्यमंत्री तो मांग करते हैं, पूरी जनता का आवाज है विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले, ताकि बिहार आगे बढ़ सके, दूसरे राज्य जो है आगे बढ़े, उनके हिसाब से आगे बढ़े। बिहार एक गरीब राज्य है मैंने कहा, इसलिए देना चाहिए, मानना चाहिए। जानबूझकर उनकी सरकार नहीं है इसलिए वो विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज नहीं देते हैं और फंड भी कम देते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गया है। आज मां शैलपुत्री की पूजा चित्रा नक्षत्र में पूरे विधि विधान से की गई। वहीं कलश स्थापना आज शुभ मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 में भक्तों ने किया। आज से शुरू हो गए शारदीय नवरात्र को लेकर चारों तरफ भक्तिमय माहौल बन चुका है। हर गली मोहल्ला कॉलोनी से लेकर चौक चौराहों तक माँ दुर्गा की स्तुति आराधना के भक्तिपूर्ण गीत गूंज रहे हैं। भागलपुर शहर की दुर्गाबाड़ी, मसाकचक, कालीबाड़ी, मानिक सरकार घाट, रिफ्यूजी कॉलोनी, महासेडोरी, बंगाली टोला, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी समेत विभिन्न क्षेत्रों में माँ दुर्गा के मंदिर में अलग ही उल्लास देखने को मिल रहा है। आज लोगों ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना कर मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की। शारदीय नवरात्र का आज प्रथम दिवस है। इस नवरात्र में हम लोग 9 दिनों का व्रत रख करके 9 स्वरूपों का उपासना करते हैं, जिसमें कि आज प्रथम दिवस का मां जगत जननी जगदम्बा शैलपुत्री के रूप में आज पूजन हुआ। कल फिर ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में होगा। इसी तरह से क्रमशः 9 दिन में माँ जगजननी जगदम्बा के 9 रूपों का पूजन अर्चन किया जाता है। इस बार माँ आई हैं कैसे, क्या किस रूप में आई? हाँ, इस बार भगवती का आगमन जो है गज पर है। शशि सूर्य गजारूढ़ा, रविवार के दिन आगमन होने का फल गज पर माना जाता है। गज मतलब हाथी हुआ, जिसका फलाफल तो वृष्टि योग है। आगमन फल संभवतः ठीक ठाक ही है, अच्छा ही माना जाएगा, लेकिन गमन फल जो है वह है चरणायुध गमन। तो गमन का फल थोड़ा सा झंझट झमेला इस टाइप का बात का संभावना है, बाकी तो